हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शाजिया अंजुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं एक यूनिक सा ज़बरदस्त चिकन चीज़ समोसा की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है, बिल्कुल फाइन मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया है। और इसमें डालेंगे धनिया, प्याज और हरी मिर्च। और इसमें ये तीखा चटपटा सा फ्लेवर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं घर के बनाए हुए मसाले, चाट मसाला डाली हूँ, जिसमें रोस्टेड क्यूमिन है, कोरिएंडर है, रेड चिल्ली है, आमचूर है, डाल दिया मैंने। ऊपर से फिर चिली फ्लेक्स डाला और नींबू निचोड़ लेंगे। अब इसमें बॉयल्ड पोटैटो को श्रेड करके शामिल कर लेंगे और ख़ूब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल चटपटा सा तीखा सा कीमा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती से इसे फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैं मैदा की पट्टी बनाई हूँ, जैसे समोसा की पट्टी बनाई जाती है। सिर्फ मैदा में घी या कोई भी रिफाइंड ऑयल शामिल कर ले और नमक थोड़ा सा, और बिल्कुल खस्ता थोड़ा टाइट आटा गूंद कर इसे मैं फ्रीज कर ली हूँ रमज़ान के लिए। तो यहाँ पर आटा थोड़ा थोड़ा छिड़क के इसे जब ये ठंडा हो जाए, टाइट हो जाए, तो फ्रीज़ कर ले। तो मैंने इस तरह से तैयार किया था। आप बस मैदा में घी और नमक डाल के गूंद के इंस्टेंट भी बना सकते हैं। तो फिर मैं इस तरह से इसे हाफ़ पून के शेप में डाल का कट करके मैदा की पट्टी को, और इस तरह से शेप दी हूँ। कीमा अंदर डालकर और फिर ये अमूल चीज़ केक के बड़े से स्लाइस को इसमें मैं सरप्राइज़ की हूँ। और चीज़ का चिकन कीमा या किसी भी कीमा के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पोटैटो के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। और फिर मैं उसे सील की हूँ, कॉर्नफ्लेक्स को क्रश कर ली थी और उससे सील की हूँ, वो सील भी हो गया है। और फ्राई होने के बाद बहुत क्रंची सा समोसा बनकर तैयार होगा। तो चलिए सारे समोसों को इस तरह से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारा समोसा हो गया है डन। अब इसे फ्राई करेंगे। तो बहुत फटाफट झटपट सा चिकन चीज़ कीमा समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये अंदर सरप्राइज़ चीज़ का मिलेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत टेस्टी सा समोसा ये बनकर तैयार होता है। तो आप इसे अपने इवनिंग स्नैक्स में या रमज़ान में इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। बहुत मज़ेदार सा समोसा है, आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए, आपको यकीनन पसंद आएगा। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और रेसिपी पूरा देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इन्जॉय कीजिए समोसे को, बहुत खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।